नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर, एक नजर कोहराम छठ पर। राष्ट्रपति के गांव परोख में बोले पीएम मोदी, गांव देश के लोकतंत्र की ताकत। कानपुर में बाजार बंद कराने को लेकर बवाल, पथराव और फायरिंग के बाद पुलिस को चटकानी पड़ी लाठियां। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले उन्हें काम करने से रोक रही केंद्रीय जांच एजेंसी। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटाई, कार्मिक विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। एसीबी कोर्ट ने खारिज की मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज पिटीशन, 20 करोड़ की हेराफेरी का है इल्जाम। ईडी ने 4 डीएमओ, 2 डीटीओ और प्रेम प्रकाश से की पूछताछ, जेल में बंद आईएएस पूजा सिंगल से मिला है क्लू। राजधानी रांची में एटीएम कार्ड बदलकर एएनएम के खाते से निकाले 60,000, बेड़ो थाना में शिकायत दर्ज। रांची के तमाड़ में धराया डोडालदा पिकअप वैन, 2 तस्कर गिरफ्तार। जून के अंत तक जैक जारी करेगा मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट। पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा जुलाई में, जैक ने पूरी कर ली है तैयारी। गिरिडीह में जीटी रोड पर बवाल काटने वाले 56 उपद्रवी गिरफ्तार, कई गाड़ियां जब्त। बोकारो में अतिक्रमण हटाने को लेकर जन आक्रोश उबाल पर, कई घरों पर चला बुलडोजर। झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का काम शुरू, सीएम हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने किया शुभारंभ। जमशेदपुर में आकाश सिन्हा के अपहरण मामले में 4 आरोपी अरेस्ट और 7 आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। मानव तस्करों से खूंटी की 7 और गिरिडीह की 3 बच्चियों को दिल्ली में किया रेस्क्यू, सीएम हेमंत सोरेन ने की थी पहल। महानायक अमिताभ और जया बच्चन ने पूरा किया 49 सालों का सफर, फैंस के साथ साझा किए शादी के लम्हे। गया के छात्र की रूस में संदिग्ध स्थिति में मौत, 8वीं मंजिल से गिरा, अब तक नहीं आ सकी डेड बॉडी। बिहार के कटिहार में ऑटो और बाइक में टक्कर, 3 की मौत, 6 घायल। आर्य समाज के मैरिज सर्टिफिकेट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता देने से किया इनकार, कहा यह काम तो सक्षम प्राधिकरण ही करते हैं। राजस्थान के झालावाड़ में गैंगवार, मारा गया भोपाल का डॉन मुख्तार मलिक। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।